हाय एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में और आज हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के फीचर्स स्कोप देन वेरियस स्कॉलर्स किस तरीके के इश्यूज इस अप्रोच के द्वारा कंसीडर किए जाते हैं वेरियस स्कॉलर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये हम डिस्कस करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये रहने वाला है कि प्रेजेंट टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का क्या स्टेटस है ये हम देखने इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स लाइक द वीडियो एंड कमेंट मी बिलो कि डिस्कशन uh, आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको लेक्चर चाहिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे वहाँ इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, बट आप मुझे कॉमेंट करते रहिए मैं उसे धीरे धीरे इंक्लूड करती रहूँगी अपने लेक्चर सीरीज़ में सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज तो शुरू करते हैं पोलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच का डिस्कशन पोलिटिकल सोशोलॉजी में बेसिकली टू डिसिप्लिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक पोलिटिकल पॉलिटिकल डिसिप्लिन दूसरा सोशियोलॉजी सो पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी जो ये है एक एक अप्रोच है हमारा पॉलिटिकल साइंस में इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी जो जिसका मेन फोकस होता है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स गेटिंग इट तो रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के द्वारा जहाँ पर यह फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जो शेप करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को जो शेप करते हैं जो परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी सो मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगी कुछ स्लाइड्स पे जहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि व्हाट आर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन सो जो पॉलिटिकल वाला डोमेन है वहाँ पर आपका आ जाएगा जैसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप्स इंटरेस्ट ग्रुप हो गए आपके इसके बाद से जो सोशियोलॉजी है जिसमें सोसाइटी कास्ट रिलीजन फैमिली कल्चर लैंग्वेज ट्रडिशन कस्टम्स ये सारी चीजें फूड इवेंट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सोशियोलॉजी में तो अब पोलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में जो स्टडी किया जाता है कि, कि किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शेप कर रहे हैं सो बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर ओके सो हाउ कास्ट रिलीजन एंड फैमिली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट आप देखिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते होंगे लेते हैं हम लोग यहाँ पर कास्ट के आधार पर आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी होगी काट के आ, कास्ट के आधार पर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप आपने देखे होंगे ओके okay, तो ये आपने इस ये सारे जो कास्ट जो सोशल फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में हम कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे जैसे कि लिपसिट की डेफिनेशन को हम लेंगे जो डिफ़ाइन करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को कैसे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड पॉलिटी राइट जहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे एक दूसरे को शेप कर रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसका स्टडी किया जाता है तो सोसाइटी और पॉलिटी के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है अब सोसाइटी में आप किन चीज़ों का स्टडी करोगे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फ़ैमिली लैंग्वेज हो गया आपका कल्चर हो गया रिलीजन हो गया आपका कास्ट हो गया ओके okay? पॉलिटिकल पॉलिटी में आप क्या स्टडी करोगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये सारी ब्यूरोक्रेसी हो गया आपका तो ये सब स्टडी करोगे तो इनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन है इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है पॉलिटी में जैसे पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो पॉलिटिकल पार्टी आपने देखा होगा रिलीजन के आधार पर भी लोग बनाएंगे कास्ट के आधार पर भी बनाएंगे क्षेत्र के, बना के आधार पर भी बना सकते हैं लैंग्वेज के आधार पर भी बना सकते हैं राइट तो किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं या शेप कर रहे हैं सेकेंड एक और डेफिनेशन लेते हैं हम आर बेंडिक्स की जो कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है इट स्टार्ट विद सोसाइटी एंड एग्जामिन हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेट तो बेंडिक्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सोसाइटी से शुरू होती है और यह इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है एग्जामिन करती है कि स्टेट को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है क्या प्रभाव डाल रहा है उस पर ओके सो एरियाज़ ऑफ रिसर्च जो टॉप प्रायोरिटी पे होंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में जहाँ पर कास्ट क्लास एथनीसिटी अथॉरिटी रिवोल्यूशन पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन साथ ही साथ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी स्टडी किया जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे सोशियोलॉजी ना होता पॉलिटिकल केवल होता तो आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का केवल स्टडी करते हैं ना जैसे कि स्टेट हो गया लेजिस्लेचर हो गया आपका इसके बाद से जुडिशरी हो गई ब्यूरोक्रेसी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज हो गया सिर्फ ये स्टडी करोगे ना अब यहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी अप्रोच आ गया है तो आप यहाँ पर सोशोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशनस हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और उनकी इंटर को समझा जाएगा तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव जो बेसिकली है वो ये देखती है कि जो पॉलिटिकल फिनोमिना हो रहे हैं राइट दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल फिनोमिना जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्शन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर राइट इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं सोसाइटी में तो ये जो इलेक्शन है ये प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का बिटवीन द इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सेंस में पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्ट ग्रुप आ जाएंगे सोसाइटी में फैमिली आ जाएंगी कई बार होता है ना हमारे फैमिली दूर दूर से फैमिली का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है या हमारी कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा या हमारी रिलीजन का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम उसे वोट देना प्रेफर करते हैं और इंडिविजुअल्स कोशिश करेंगे कि उनके लिए वो सपोर्ट बेस क्रिएट कर सकें तो जो पॉलिटिकल फिनोमिना होते हैं दीज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो लोग रैली करेंगे फॉर एग्जांपल इलेक्शन के दौरान असेंबलीज की जाती हैं रैलीज कंडक्ट की जाती हैं तो यह इस प्रोसेस में इंटरेक्शन होता है अपने फेवर में ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है ओके okay, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फिनोमिना प्रोडक्ट हो जाता है इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड कि जो पावर है हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी एंड हाउ द पावर इज़ एक्सरसाइज्ड विद इन द सोसाइटी कि जो सोसाइटी में पावर पावर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है बट ये पावर सोसाइटी से कैसे लिंक्ड है सोशल इंस्टीट्यूशन से कैसे लिंक्ड है पावर सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पावर का सोसाइटी में एक्सरसाइज कैसे किया जाता है ओके okay, जैसे आप मार्क्स का देखेंगे तो कल मार्क्स क्या कहेंगे कि सोसाइटी में पावर किस आधार पर डिवाइडेड है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप है और उसी आधार पर वो हैप्स क्लास बुर्जुआ क्लास बन जाती है और उसके पास पावर एक्मलेट हो जाती है और स्टेट भी उसी के फेवर में काम करता है बहुत सारे जो एलाइट थ्योरी ऑफ पावर है उसमें आप देखेंगे कि सोसाइटी में एक सुपीरियर सोशल क्लास होती है जिसका सोसाइटी के रिसोर्सेज पे पावर पे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा होता है तो इस तरीके से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सरसाइज विद इन द सोसाइटी देन नेक्स्ट हाउ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट जैसे कि मान लीजिए पोलिटिकल पार्टीज़ का एग्जाम्पल ले लें हमें यहाँ पर सो पोलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से बनती हैं उनके उनके जो जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे बनती है किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो सोसाइटी में तो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे पोलिटिकल पार्टी हमने देखा कि कास्ट के आधार पर भी बनती है रेलिजन के आधार पर भी बनेगी क्षेत्र के आधार पर भी बनेगी इसके बाद से नेक्स्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कंसर्न क्या रहेगा हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस आर मेड पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं तो पॉलिटिकल डिसीजन में सोशल सोशल फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अब डिपेंड करेगा कि कौन सी अथॉरिटी पॉलिटिकल डिसीजंस ले रही है कई बार दे आपने देखा होगा कि जैसे जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने क्षेत्र का जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसका डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान देंगे और जिस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्टर्स नहीं बन पाते उस क्षेत्र का उतना डेवलपमेंट नहीं होता ये हमने आम तौर से अपने आसपास ये चीज़ें देखी होंगी तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी जो लिया जाते हैं उस पर सोशल फैक्टर से उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आल्सो एग्जामिन्स द वेज इन विच सोशल स्ट्रक्चर्स सच एज रेस क्लास जेंडर एथनिसिटी इंटरसेक्ट विद द पॉलिटिकल पावर एंड शेप द पॉलिटिकल आउटकम्स ओके जैसे मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा कि जो जो सोशल फैक्टर्स थे वो कैसे थे पर्टिकुलर रेलिजन का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उस रेलिजन के लोग उसे सपोर्ट कर देंगे और पॉलिटिकल आउटकम क्या निकलेगा कि वो इलेक्शन जीत जाएगा सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल है कि ये इलेक्शन का एग्ज़ाम्पल ईजी है आप इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अपने आसपास ये चीज़ आप देखते हैं ओके okay? और आप इसी चीज़ को कर सकते हैं कि पोलिटिकल और कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि हाउ सोशल इनक्वालिटीज़ एंड कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट दी वोटिंग बिहेवियर इलेक्शंस का देन वोटिंग बिहेवियर आपने आपने अपने घरों पे भी ये चीज़ देखी होगी कि जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस आधार पर वोट डालते हैं किस किस आधार पर उनकी प्रेफरेंस रहती है कैंडिडेट की क्या वो कास्ट के आधार पर रहती है तो कास्ट एक सोशल फैक्टर हो गया ना और वोटिंग बिहेवियर आपका एक पॉलिटिकल फिनमिना हो गया देन क्या ये रिलीजन के आधार पर रहती है क्या क्या ये 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 आप आ, आ, कल्चर के आधार पर रहती है किस आधार पर रहती है क्या ये इकोनॉमिक इनिकवालिटीज़ के आधार पर रहती है तो जो सोशल फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो पॉलिटिकल आउटकम्स क्या होंगे ओके okay, तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्शंस का वोटिंग बिहेवियर का ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इमर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप इसे कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अगर जो जो रूट्स हैं हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये आपको मिलेंगे एरेस्टोटल में सो एरेस्टोटल इज नोन एज द क्लासिकल द फादर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एरेस्टोटल ने आपने देखा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल फैक्टर्स का स्टडी किया था इवन जब स्टेट का एग्जिस्टेंस बनाते बताते हैं एरेस्टोटल अपने पॉलिटिकल थाट में तो भी ये क्या कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया पहले दो लोग आपस में म्यूचुअल नीड्स के लिए एक फैमिली बनाते हैं वो कई सारी फैमिलीज़ मिलकर फिर एक विलेज बनाती हैं और कई सारे विलेज मिलकर फिर क्या बनाते हैं स्टेट बनाते हैं सो so, ये ऑर्गेनिक जो जो इवोल्यूशन हो रहा था स्टेट का तो इसमें भी आप सोशल फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं ना कैसे सोसाइटी और जो पॉलिटिक्स है वो इंटरकनिक्टड है सो so, इसके ओरिजन कैन बी ट्रेस्ड इन थॉट्स ऑफ अरिस्टोटल इसके बाद लेकिन जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है इसकी ग्रोथ होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जैसे बिहेवियरल अप्रोच आ जाएगा तो बिहेवियर जो इंडिविजुअल जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक सोशल फैक्टर से डिसाइड होता है इन्फ्लुएंस होता है तो जब बिहेवियरिज्म अप्रोच आया जहाँ पे एम्पीरिसिज्म आया एम्पीरिकल फैक्टर्स को पर फोकस किया गया और इसके साथ साथ ही पॉलिटिक्स को साइंटिफिक बनाने में जोर दिया गया तो यहाँ से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की ग्रोथ होती है तो हम यहाँ पर बेसिकली चार तरीके के ट्रेंड्स देख सकते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पहला क्लासिकल पीरियड था जो क्लासिकल पीरियड किस पीरियड को कहते हैं जो ग्रीक सिटी स्टेट का था ग्रीक सिटी स्टेट्स में आप एरिस्टोटल के थॉट्स को देख सकते हो जिन्होंने सोसाइटी को कैसे कनेक्ट किया था पॉलिटिक्स के साथ में इसके साथ ही आप अब इवन प्लेटो का अगर आप देख लो तो प्लेटो ने भी क्या थोड़ा बहुत इस चीज़ पे काम किया था कि जस्टिस एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है फॉर एग्जांपल और जस्टिस को उन्होंने कैसे सोसाइटी को जो जो ट्राइपार्टाइट डिवीज़न किया था किंग uh, uh, जो फिलासफर किंग क्लास देन द देन द सोल्जर क्लास देन द प्रोड्यूसर क्लास और इस आधार पर उन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था सेकेंड ट्रेंड आपको एनलाइटनमेंट पीरियड में देखने को मिलेगा जैसे कार्ल मार्क्स मैक्स वेबर हम ये अभी दो स्ट्रीम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने दिया जैसे कार्ल मार्क्स का कि अगर आपको स्टेट समझना है पावर के कंसेप्ट को समझना है तो पहले आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना होगा इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे होंगे और इकोनॉमिक फैक्टर्स सोसाइटी का एक पार्ट है सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है हैव्स क्लास एंड हैफ्स नॉट में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स और देयर इज अ क्लास स्ट्रगल और उसके आधार पर जो स्टेट है एक एक्सप्लोइटेटिव एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इन हैंड ऑफ बोर्जुआ क्लास देन एलाइट थ्योरी आप देखेंगे पेरेटो की मॉस्का की जहाँ पर ये ये बात करेंगे कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सुपीरियर क्लासेस होती हैं जिन्हें ये एलाइट कहते हैं राइट right? और ये सुपीरियर क्लासेस का कब्जा होता है कंट्रोल होता है ऑन द रिसोर्सिस ऑफ द सोसाइटी ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द सोसाइटी ओके तो ये इलाइट थ्यूरी ट्रेंड आप देख सकते हैं देन नेक्स्ट आती है कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड फॉर एग्जाम्पल लिपसेट हो गया मोरे हो गया सो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पर इन्होंने पोलिटिकल सोशोलॉजी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो so, ये आप एक फोर ट्रेंड्स को मेंशन कर सकते हो सो बेसिकली देयर आर टू मेजर स्ट्रीम्स इन द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच पहला है मार्क्सिस्ट स्ट्रीम सेकेंड है वेबेरियन स्ट्रीम कार्ल मार्क्स जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एरिस्टोटल फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कार्ल मार्क्स सो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले सोसाइटी में क्लास डिवीजन को समझा सोसाइटी में क्लास डिवीजन किस आधार पर था इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ऑनरशिप के आधार पर ओके okay. तो जो कालमार्क्स हैं ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दे डिसाइड कि जो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेट है ये सब कैसे होंगे तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में जो जो स्टेट है इसको माना गया कि एक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन है अब इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है जो बुर्जुआ क्लास है जो कैपिटलिस्ट क्लास है जो हैप्स क्लास है और किसके अगेंस्ट में किया जाता है किसके खिलाफ़ किया जाता है जो वर्किंग क्लास है जो आपकी हैप्स नॉट क्लास है पर्पज क्या है एक्सप्लॉइटेशन क्योंकि इसी एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा कैपिटलिस्ट क्लास प्रॉफिट जनरेट करती है वेल्थ जनरेट करती है तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में दो स्कूल ऑफ थॉट आपको देखने को मिलेंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल देन स्ट्रक्चरल स्कूल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल एकदम प्योर मार्क्सिस्ट जो ये बात करते हैं कि जो स्टेट है इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि स्टेट सपोर्ट कर रहा है कैपिटलिस्ट क्लास को इसके बाद से स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट है जैस तो ये सपोर्ट करता है बेसिकली कि ठीक है ये चीज़ें हैं लेकिन सो so, जो स्टेट है दैट इज नॉट द ओनली यू कैन से दैट की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन देंड ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास जो स्टेट है उसके पास रिलेटिव ऑटोनॉमी भी होती है आपने ये रिलेटिव ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा होगा मार्क्सिज्म में रिलेटिव ऑटोनॉमी एंड सिविल सोसाइटीज़ जो स्टेट है वो अपना डोमिनंस बेसिकली मेंटेन किया हुआ है सोसाइटी में किस आधार पर क्योंकि उसके पास सिविल सोसाइटी है सिविल सोसाइटी के आधार पर वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं एक तरीके से आइडियोलॉजिकली एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं और इस तरीके से उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं मैंने मार्क्सिज्म में ये बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया है स्ट्रक्चरल स्कूल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्कूल आप देख सकते हो यहाँ के लिए आप इतना ही मैंशन कर सकते हो कि, कि किस तरीके से सोशल फैक्टर्स पोलिटिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुन्स कर रहे हैं इसके बाद से वेबेरियन कंसेप्ट को आप मेंशन कर सकते हो जो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया मैक्स वेबर बेसिकली क्रिटिक ऑफ द कार्ल मार्क्स है क्योंकि जो मैक्स वेबर है ही इज़ द एडमायर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम जबकि कॉल मार्क्स है वो क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिज्म है तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में ही होंगे ना मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सोसाइटी है इसमें प्रोलीफ्रेशन ऑफ द क्लासेज है सोसाइटी सिर्फ दो दो क्लासेस में डिवाइडेड नहीं है जैसा कि कॉल मार्क्स कर रहे हैं कह रहे हैं हैप्स एंड हैप्स नॉट सोसाइटी में प्रोलीफेरेशन ऑफ द क्लासेस है क्यों प्रोलीफ्रेशन कैसे भाई दो अपर क्लास लोअर क्लास जो ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स के साथ साथ एक मिडिल क्लास भी प्रेजेंट है मिडिल क्लास आपके बहुत आ, आ, जैसे कि मैनेजेरियल क्लास आपने पढ़ा होगा इसके बाद से टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट हो गए राइट इसके बाद से जो जो फैक्ट्रीज के मैनेजर्स हो गए तो ये भी एक क्लास बनाने का यहाँ पर इन्होंने एक क्लास बनाई और इस तरीके से प्रॉलीफेरेशन हुआ सोसाइटी का प्रजेंट स्टेटस ऑफ द अप्रोच की अगर हम बात करें तो इनिशियली ये आप कह सकते हो कि देयर वॉज लॉर्ड्स ऑफ इंथ्यूजियाजम अमंग द पोलिटिकल साइंटिस्ट एज फॉर एज द पोलिटिकल सोशलॉजी अप्रोच इज़ कंसर्ड तो शुरुआत में इनिशियल डेज़ में आपने देखेंगे कि जो पोलिटिकल साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर फोकस करते थे कि नहीं हमें सोशलॉजी जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर करना है अगर हमें पोलिटिकल फिनमििना को अंडरस्टैंड करना है तो लेकिन आप धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे ये इंथ्यूजियाजम कम होता जाता है अब इसका कारण क्या है कारण ये था इसके इंथ्यूजियाजम लॉस्ट होने के क्योंकि लोगों को ये डर लगने लग जाए लग गया कि इस तरीके से जो हम जो जो पॉलिटिकल साइंस की एक एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में आइडेंटिटी है वो कहीं ना खतरे में पड़ जाए क्यों क्योंकि आप पॉलिटिक्स फिनमििना या पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के लिए सोशल सोसाइटी में जा रहे हो सोशल फिनोमिनाज को समझ रहे हो सोशल फैक्टर्स को समझ रहे हो तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो यू आर लुकिंग फॉर दी सोशियोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड दोलिटिकल फिनोमिना इट तो अब पॉलिटिकल फिनोमेना समझने के लिए आप सोशियोलॉजिकल रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो और इस प्रोसेस में ऐसा ना हो कि हम जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है ये सोशियोलॉजी की डिसिप्लिन बन जाए एक सब डिसिप्लिन बन जाए तो यहाँ पर एक खतरा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनको एक खतरा महसूस होता है फ़ॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पोलिटिकल साइंस डिसिप्लिन ओके okay, तो यहाँ पर जैसे थेडो पाल का हम एक एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं तो वो कहती हैं कि जो जो हमें जो स्टेट है उसको फिर से सेंट्रलिटी में लाना होगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के दौरान आप देखोगे कि धीरे धीरे सोशल फैक्टर्स सोशोलॉजिकल रीजनस या सोसाइटी सेंटर पर आने लग गई क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल फिनमििना को समझना है तो सो, जो सोसाइटी जो सोशल फैक्टर्स हैं उन्हें समझेंगे आप उनको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर एक डर हो गया कि कहीं पर सेंट्रलिटी ऑफ द सोसाइटी ना बन जाए बट पॉलिटिकल साइंस की आइडेंटिटी क्या है बेसिक थीम क्या है पॉलिटिकल साइंस की सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट सेंटर पे कौन है स्टेट है मे, जो मेन इम्पोर्टेंट एक्टर है वो कौन है स्टेट है सो so, यहाँ पर Uh, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा कि वी शुड ब्रिंग द स्टेट बैक इन द सेंटर नॉट द सोसाइटी और इस तरीके से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का इंथ्यूजियाजम थोड़ा सा कम होता है दो कि इसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है ओके okay, तो uh, हाँ एक मिनट स्कोप की अगर हम बात करें कि अभी प्रेजेंट मॉडर्न टाइम पे हम जैसे देखें तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किन वो सब्जेक्ट मैटर क्या है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता है हालांकि हमने इसे बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए लेकिन हम यहाँ पर इसको दो मेजर कैटेगरी में एक बार फिर से मैं समराइज़ करना चाहूँगी विद द हेल्प ऑफ स्कॉलर्स व्यू पहला है कि सेंट्रिक स्टेट uh, सेंट्रिक तो ये थोड़ा सा क्लासिकल व्यू ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है जो कहते हैं कि स्टेट सेंटर पे होना चाहिए ओके okay, यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव जुडिशरी इन पर मेन फोकस करना है जो जो आपका क्लासिकल है लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग ब्रॉड होती गई पहले पॉलिटिकल साइंस को में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे उसमें फिलोसफिकल अप्रोच इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लीगल अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच आपने पढ़े होंगे तो नैरो डेफिनेशन थी पॉलिटिकल साइंस की धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन ब्रॉड होती गई आपका बिहेवियरल अप्रोच आया पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया तो इस तरीके से एम्पेसिजम आया एक साइंटिफिक बनाने की कोशिश की गई तो पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग जब ब्रॉड होती है तो सिंपल सी बात है जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का स्कोप होगा वो भी ब्रॉड होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल सोशल रिलेशंस को स्टडी करने की बात की गई और एंड्रयू एफ एफराट इसके पास से लिपसेट एंड बैंडिक्स हमने इनकी मीनिंग हमने देखी थी डेफिनेशन में तो इन्होंने जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द पोलिटिकल सोशलॉजी है उसको देने की बात की एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर मेंशन करना रिचर्ड हाँ ब्रेंगरट का जिन्होंने कहा है कि जो जो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है इसमें से आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं जैसे कि लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशंस पॉलिटिकल लाइफ जैसे कि वोटिंग बिहेवियर या यू कैन से दैट द अदर पोलिटिकल फिनोमेना ओपिनियन पोल जो होते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी पब्लिक ओपिनियन आ जाएगा पोलिटिकल पार्टिसिपेशंस आ जाएगा पोलिटिकल लाइफ में डिसीजन मेकिंग ये सब आ जाएगा देन पोलिटिकल डेवलपमेंट सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोलिटिक्स बेसिकली ओके देन पोलिटिकल लीडरशिप तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इन द स्कोप ऑफ पोलिटिकल सोशियोलॉजी सो यहाँ पर स्टेट सेंट्रिक अप्रोच से आप देखेंगे कि जैसे जैसे पोलिटिकल साइंस का मीनिंग ब्रॉड होता गया उसी हिसाब से सब जो स्कोप ऑफ पोलिटिकल सोशियोलॉजी है वो भी ब्रॉड होते गए तो ये आप स्कोप में लिख सकते हैं तो आई होप कि पोलिटिकल सोशियोलॉजी में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एन्ना फ़ै इतना आंसर लिखने के लिए और हाँ ये स्कॉलर्स की डेफिनीशन्स एग्जाम्पल्स को ज़रूर मैंशन करना ये बहुत ज़रूरी होते हैं आप अपने आंसर को अगर आप वैल्यू एडिशन करना है ना बेसिक पॉइंट्स तो हर कोई लिखता है सभी स्टूडेंट्स बेसिक पॉइंट्स लिखेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जैसे होते हैं ना कि एक डिश हम बनाते हैं एक फूड जब बनाते हैं तो बेसिक उसमें जैसे मान लीजिए हम आलू के पराठे ही बना रहे हैं तो आलू के पराठे में आटा और आलू तो सभी करेंगे नमक डालेंगे मिर्च डालेंगे सभी डालेंगे आप उसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो उसको टेस्टी बनाने के लिए आप बटर उसमें बटर लगाइएगा उसमें धनिया डालिएगा उसमें उसमें हींग डालिएगा वो जो भी रॉ मटेरियल्स एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे उसका टेस्ट बढ़ाएगा वो इन द सेम मैनर जब आप एक आंसर लिखते हैं तो बेसिक पॉइंट्स हर एक स्टूडेंट लिखता है एक्स्ट्रा मार्क्स उस उसे ही मिलेंगे जो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें करेगा जैसे स्कॉलर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनके नेम हैं उनके बुक्स हैं वो मेंशन करना दूसरा एग्ज़ाम्पल्स को जो जिस भी कंटेक्सट पे आप इग्ज़ाम्पल देने का स्कोप हो वहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर दें तो एग्ज़ाम्पल आप रेलिवेंट एग्ज़ाम्पल्स ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे इधर उधर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं रेलिवेंट एग्ज़ाम्पल्स दीजिए ओके इसके बाद से आप उसको करंट अफेयर से मॉडर्न टाइम से प्रजेंट कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इसका क्या क्या एग्जिस्टेंस है क्या स्टेटस है क्या हैपनिंग है उस चीज़ को ज़रूर दो मैंशन करो तो ये तीन चार चीज़ें हैं फ्लो चार्ट बनाओ डायग्राम बनाओ तो ये चार पांच चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो ये आपके आंसर का वैल्यू एडिशन करेगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस आई होप कि आज का लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट में बिलो कि आज का लेक्चर कैसा लगा एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग